नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइव में। जैसलमेर आकर आप राजस्थान के पारंपरिक और मशहूर खान पान का मजा ले सकते हैं। यहाँ की गलियाँ सुबह होते ही कचौड़ी की खुशबू में महक उठती हैं और दिन ढलते ढलते इन दुकानों पर दाल बाटी चूरमा, मुर्गे सब्ज, मटन साग जैसी कई चीजों का आप स्वाद ले सकते हैं। तो अगर आप जैसलमेर आए हैं तो यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस खाए बिना आपका सफर अधूरा रहेगा। मटन साग जैसलमेर के मशहूर स्ट्रीट फूड्स में से एक है। मटन साग, इसमें मटन को पालक प्यूरी और राजस्थानी मसालों के साथ तैयार किया जाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जैसलमेर आकर इसे खाना बिल्कुल भी मिस न करें। मुर्गे सब्ज, इसमें चिकन को मसाले के साथ तैयार किया जाता है। दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थान की पारंपरिक और बहुत ही मशहूर डिश है जिसका स्वाद अब छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक हर जगह चखने को मिलता है। इसमें अलग अलग तरह के 3 आइटम्स एक साथ परोसा जाता है। चना, तुअर, मूंग, उड़द जैसी बनी हुई दाल मसालों के साथ अच्छी तरह पकाया जाता है। इसे पंचमेल दाल कहा जाता है। आटे से बनी हुई बाटी को पकाने के बाद घी में डुबोया जाता है जो इसके जायके को बढ़ाने का काम करता है, और फिर इसे बाटी के साथ परोसते हैं। आम के अचार, प्याज के छल्ले और छाछ का साथ बढ़ाता है आपके खाने का स्वाद। गट्टे की सब्जी, आसानी से पचने वाली ये डिश भी राजस्थान शहर की पहचान है। गट्टे बेसन के छोटे छोटे गोले होते हैं जिन्हें फ्राई करके मसालेदार करी में डाला जाता है। इसे रोटी और चावल किसी के साथ भी सर्व किया जाता है। प्याज की कचौड़ी, यहाँ नाश्ते में लोग प्याज की कचौड़ी खाना पसंद करते हैं। जैसलमेर में ही नहीं, आमेर, जयपुर और जोधपुर में भी सुबह होते गलियाँ इन कचौड़ियों की खुशबू से महक उठती है। यहाँ हर एक टूरिस्ट स्पॉट के बगल में लगी दुकानों पर इसका स्वाद आप ले सकते हैं। इसे चटनी और कढ़ी के साथ परोसा जाता है। केर सांगरी, केर जंगली बेर होती है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, और सांगरी लंबी बिन जो जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती। सांगरी की पैदावार के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल होती है। तेल और मसालों के साथ बनाई जाने वाली इस डिश को बाजरे की रोटी और छाछ के साथ परोसा जाता है। तो अगर आप भी जैसलमेर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन ट्रेडिशनल डिशों का स्वाद लेना मत भूलना। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे प्रिया ट्रैवल लाइव से।